इस स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को तारामंडल स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय के सभागार में सिक्कों पर आधारित 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने सिक्का चित्र छाया प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा सिक्कों के इतिहास की जानकारी हासिल की। इस संबंध में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक मनोज कुमार गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर सिक्कों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें पाषाण काल के सिक्के, मुगल कालीन समय के सिक्के, राजाओं के स्वर्ण सिक्के, गुप्तकालीन राजा के सिक्के तथा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के सिक्के सहित अन्य सिक्कों की छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को प्राचीन काल के सिक्कों की जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक मनोज कुमार गौतम ने कहा, और हमारे पास तो आप मोबाइल दीजिएगा हमारा, ये सब पूरा है आगे भी देखो। मिस्टर पर्सनल गाइड भाई, हमने कोविड का हमारे सर्टिफाइड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए उनके बारे में पढ़ लो, जरूर बोलने से आपको देखने लगेंगे और मिस्टर्स को किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है। ये मॉडल है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा नहीं, वो थीम पे मैं इन्हीं को बताऊंगा अभी हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, उप निदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सिक्कों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें इसमें 8 प्रकार के सिक्कों से लेकर के जो हमारे सबसे प्रथम सिक्के माने जाते हैं उन सिक्कों से लेकर के इंडो ग्रीक सिक्के, शक सिक्के, इसमें फिर ग्रीक राजाओं के भी सिक्के हैं, कुषाणकालीन राजाओं के स्वर्ण सिक्के दिखाए गए हैं, फिर इसमें
गुप्तकालीन राजाओं के सिक्के दिखाए गए हैं, जिसमें चंद्रगुप्त का नाम ले सकते हैं, समुद्रगुप्त का वीणा प्रकार का सिक्का है, फिर इसमें चोल शासकों के सिक्कों को दिखाया गया है। इस तरह से आगे तक हम आधुनिक काल तक के सिक्कों को इस प्रदर्शनी में दिखाए हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शक जब आएंगे तो ये जान पाएंगे कि हमारे सिक्कों का इतिहास कितना समृद्ध रहा है, और उनको क्रमबद्ध तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो आने वाले दर्शक हैं या जिज्ञासु व्यक्ति हैं उनको इतिहास के बारे में सिक्कों के माध्यम से जानकारी मिल सके। सर, ये प्रदर्शनी कितने दिन तक है? ये प्रदर्शनी 3 दिवसों के लिए लगाई गई है, और इसको आगे रखने तक का दर्शकों की जैसी मांग होगी उसके अनुसार आगे बढ़ाने पर इसको हम विचार करेंगे।